हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर, आई वॉज टीचिंग यू जल द लिटिल ड्रॉप इन विच सम ऑफ द पैसेज आर रिमेनिंग। तो लेटेस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर। मछली से जल का वार्तालाप हो रहा है। तो मछली बोलता है कि दैट इज फनी, या तो काफ़ी हास्यास्पद है। यू वांट ए चेंज, कि तुम परिवर्तन चाहते हो। बट आई थिंक यू आर ऑलरेडी चेंजिंग, लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम तो परिवर्तित हो रहे हो। जल वेरी एक्साइटेड, जल बहुत उत्तेजित होकर, इज इट ट्रू, क्या यह सत्य है? आई एम चेंजिंग, मुझमें परिवर्तन हो रहा है। हुरे, दैट इज ए गुड न्यूज, वाह वाह, तब तो यह बहुत अच्छा खबर है। डोंट बी टू हैप्पी, ज़्यादा खुश मत हो, ऐसा पीस बोलता है। जल वाई नॉट पुट्स इट चिन अप इन द एयर, अपनी ठुड्डी को हवा में लते हुए, क्यों नहीं हूँ? आई एम चेंजिंग एंड दैट इज जस्ट आई वॉन्ट वाट आई वॉन्ट, मैं प्रसन्न क्यों ना हूँ जब मैं बदल रहा हूँ, और यही तो मैं चाहता था। मछली बोलता है कि इन डीप थॉट शेक्स हर हेड, गहराई से सोचते हुए, विचार करते हुए, अपनी सिर को हिलाते हुए फिश बोलता है कि इट इज रियली सैड जल दैट यू वांट ए चेंज जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंज। यह वाकई सचमुच में बहुत दुख भरा खबर है कि जल तुम जो चाहते थे कि तुम परिवर्तित हो जाओ, उस परिवर्तन को बचाने के लिए बी इट गुड और बैड, कि तुम अच्छे रहोगे या बुरे रहोगे, बट परिवर्तन तो होगा। The change that I have seen in you, और जो परिवर्तन जो मैं तुम्हें देख रहा हूँ, is going to harm you, यह तुम्हें नुकसान पहुँचाने वाला है, and all the living things dependent on you, यह तुम्हें और तुम पर आश्रित जितने भी जीवित जीव जंतु हैं उन सबों के लिए बहुत नुकसानप्रद है। दिस चेंज इज मेकिंग यू पोल्यूटेड, अब यही परिवर्तन तुम्हें प्रदूषित बना रहा है। पोल्यूटेड, व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब क्या हुआ? प्रदूषण से तुम्हारा अभिप्राय क्या है? विच वर्ड कैन रिप्लेस पोल्यूटेड इन द एबव लाइन, ट्राई टू थिंक एंड टेक ए रेस्ट फॉर ए मोमेंट एंड रिप्लाई मे स्टूडेंट्स, ये व्हाट इज द वर्ड इट हैज बीन गिवेन हियर एंड विच वर्ड इज वेरी नियर टू पोल्यूटेड। विच वर्ड कैन रिप्लेस पोल्यूटेड इन द एबव लाइन, पोल्यूटेड मीन्स स्टेल मीन्स बासी होता है, और चेंज मतलब परिवर्तन होना है, तो पोल्यूटेड मीन्स डर्टी। फिश मछली, इट मीन्स दैट यू आर बिकमिंग डर्टी, इसका मतलब यह हुआ कि तुम धीरे धीरे गंदा हो रहे हो। जल रियली, सही में, बट आई नीड टू नो हाउ दिस पोल्यूशन इज हैपनिंग, लेकिन मुझे ये समझने की आवश्यकता है कि प्रदूषण कैसे हो रहा है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो हु इज डूइंग दिस, और मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि कौन इसे कर रहा है। मछली बोलता है कि यू सी ह्यूमंस हैव बिल्ट फैक्ट्रीज, कि तुम देख रहे हो ना कि मानव फैक्ट्रियों का निर्माण कर रहे हैं। दैट थ्रो आउट केमिकल्स इन टू द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, और फैक्ट्रियों से निकले हुए जो रासायनिक
चीज़ें हैं इसको वे लोग नदी में या झरनों में डाल दिया करते हैं, जलाशय में या नदी में डाल दिया करते हैं। ह्यूमंस ऑल्सो डंप स्वेज इंटू मेनी सोर्सेज ऑफ वाटर। सारी चीज़ों को वे लोग पानी के जो भी स्रोत सामने में दिखता है उसमें वे लोग हानिकारक केमिकल को उसमें मिला देते हैं, उसमें डाल देते हैं कि दिस इज मेकिंग यू पोल्यूटेड, और यही जो है तुम्हें प्रदूषित बना रहा है। जल वेरी सीरियस, जल सीरियस होकर बोलता है कि दिस इज नॉट ए गुड न्यूज, यह तो अच्छी खबर नहीं है। थोड़ा देर रुकता है और जी आई डू वॉन्ट ए चेंज, मैं परिवर्तन तो चाहता हूँ बट नॉट ए चेंज दैट इज हार्मफुल फॉर मी एंड अदर्स, लेकिन ऐसा परिवर्तन भी मैं नहीं चाहता हूँ जिससे मैं या मेरे पर आश्रित दूसरों का कोई नुकसान पहुँचे। आई मस्ट फाइंड आउट मोर अबाउट दिस चेंज कॉल्ड पोल्यूशन, अब मुझे मुझे इस परिवर्तन जो ये प्रदूषण के रूप में जो परिवर्तित हो रहा हूँ मैं, मुझे इसका कारण ढूंढना है। वॉक्स आउट ऑफ द स्टेज सैडली, और स्टेज से बाहर टहलते हुए बाहर आ जाता है। एक भूरा बैकग्राउंड है, इफेक्ट ऑफ स्मोक, और वहाँ पर धुआं का प्रभाव। लेसन 6, जल वॉक्स ऑन द स्टेज वेरी स्लोली एज इफ कैरिंग ए लोड कप्स लाउडली। जल धीरे धीरे टहलते हुए स्टेज पर आता है, एक भारी बोझ को लिए हुए है अपने साथ, और खंखारते हुए बोलता है आई एम इन ए सिटी, मैं शहर में हूँ, बट व्हाट इज दिस, लेकिन ये क्या है। लुक्स एट हिज आर्म्स एंड हैंड्स, अपने हाथ से इशारा करते हुए बोलता है कि क्या है, वाई एम आई फीलिंग हैवी एंड टायर्ड, मैं इतना बोझ कैसे महसूस कर रहा हूँ, इतना थका हुआ कैसे महसूस कर रहा हूँ। स्निप्स आई हैव एन स्मेल, और मैं जो सूंघ रहा हूँ माई कलर हैज ऑल्सो चेंज्ड, और मेरा रंग भी बदल गया है। आई एम नॉट एज क्लियर एज बिफोर, मैं उतना साफ नहीं हूँ जितना पहले हुआ करता था। लुक्स एट हिमसेल्फ, अपने आप की ओर देखते हुए बोलता है आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ, और मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा है। कप्स हाउ डिड इट दिस हैपन, ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों हुआ ऐसा। लुक एट द ऑडियंस इन वंडर, और दर्शकों की ओर आश्चर्यचकित होकर देखता है कि कैन यू टेल मी, क्या आप लोग में से कोई बता सकता है। पॉजेस एज इफ टू थिंक, और कुछ देर खामोश रहने के बाद में सोचते हुए आई नो, मैं जानता हूँ कि आई शुड हैव गेस्ट, हमने अनुमान लगा लिया है। पॉइंट्स टू ए कॉर्नर, एक कोने की ओर इशारा करते हुए जल बोलता है कि देयर स्टैंड्स द कल्प्रिट्स फैक्ट्रीज, वहाँ पर एक फैक्ट्री खड़ा है। लुक हाउ दे आर थ्रोइंग आउट केमिकल्स इनटू द रिवर, अब देखो वे लोग कैसे रसायनों को, फैक्ट्री से निकलने वाली रसायनों को
नदी में डाल रहे हैं. आई थिंक दिस इज व्हाट दे कॉल पोल्यूशन. मैं सोचता हूँ यह वही है जिसे प्रदूषण कहा जाता है. ओह व्हाट ए ड्रेडफुल साइट. हैं कितना दर्दनाक दृश्य है. क्लोजेज हिज आइज, अपनी आँखों को बंद करते हुए वह दुखी होकर बोलता है कि कितना तकलीफपूर्ण सीन है जो मैं देख रहा हूँ कि फैक्ट्री और फैक्ट्री से निकले हुए केमिकल्स को लोग नदी में बहा रहे हैं. आई मस्ट रश आउट फ्रॉम दिस सिटी. मुझे इस शहर से निकलकर भागना होगा. रैप हिज आर्म्स अराउंड हिमसेल्फ एंड रन्स आउट. अपनी बांह को मोड़कर वह तुरंत वहां से निकल जाता है. सीन 7. जल इंटर्स, शेक्स हिमसेल्फ, वाइप्स हिज फेस एंड स्माइल्स एट द ऑडियंस. जल की एंट्री होती है, अपने आप को अपने चेहरे को साफ करते हुए और मुस्कुराते हुए वह दर्शकों से बोलता है, जल आई एम बैक अगेन टू आस्क फॉर ए चेंज. मैं दोबारा लौट करके आ गया हूँ आपसे ये कहने के लिए कि परिवर्तन के बारे में कुछ कहने के लिए मैं आ गया हूँ. स्माइल्स, मुस्कुराता है, बट विथ ए लिटिल डिफरेंस, लेकिन अब थोड़ा सा अंतर है. आई वॉन्ट दिस चेंज टू मेक थिंग्स बेटर. लेकिन मैं अब परिवर्तन चाहता हूँ चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए. एंड आई नीड योर हेल्प. और इसमें मुझे आपकी सहायता चाहिए. स्प्रिट सेज हैंड्स आउट और अपने हाथों को फैलाता है. लेट अस ज्वाइन हैंड्स टूडे. आइए हम लोग एक हो जाएं आज से एंड ट्राई टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज. और एक नया परिवर्तन लाने की कोशिश करें. ए चेंज फॉर ए क्लीनर एनवायरनमेंट. एक साफ सुथरा वातावरण को बनाने के लिए परिवर्तित हो जाएं, ऐसा परिवर्तन. बट वेट, लेकिन प्रतीक्षा कीजिए. आई हैव समथिंग टू आस्क यू. मुझे आपसे कुछ पूछना है कि हु डू यू थिंक आर द रियल कल्प्रिट्स. द फैक्ट्रीज दैट थ्रो केमिकल्स इनटू द रिवर. मुझे आपसे कुछ पूछना है कि आप क्या सोचते हैं ऐसे फैक्ट्रियों के विषय में जो अपने केमिकल को नदियों में बहाते हैं. और ह्यूमंस हु बिल्ड दिस फैक्ट्रीज विदाउट मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट जनरेटेड इन देम. या उन मानवों के विषय में मुझे बताइए जो आप फैक्ट्रियों का निर्माण करते हैं बिना ऐसा कोई व्यवस्था किए कि फैक्ट्री से निकलने वाले जो वेस्टेज चीज होगा वो उसमें नहीं मिलाया जाएगा, जल में नहीं मिलाया जाएगा. ऐसा बिना सोचे समझे मानव जो फैक्ट्री बनाते जा रहे हैं, कंटिन्यू फैक्ट्रियां बढ़ती जा रही हैं और फैक्ट्रियों के अंदर से निकलने वाले जो घातक रासायनिक चीज़ें हैं उनको जल में मिला दिया जाता है जिससे कि जल प्रदूषित हो रहा है और जल के साथ साथ जीव जंतुओं को भी बहुत क्षति पहुंच रहा है. तो इसके विषय में आपका क्या कहना है. थिंक, सोचिए एंड ईमेल योर व्यूज टू info@cardeva.com.in. ऐसा सोचिए और अपने विचारों को info@cardeva.com.in पर अपने विचार प्रकट करें. हियर इज योर चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड. ट्राई टू लर्न इट बाय द हेल्प ऑफ दिस वीडियो. ओके, थैंक यू टू हियर मी.
थैंक्स अ लॉट।